हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दक्षु टेक्नो टिप्स पर। आज का हमारा वीडियो है कि हम लोग घर पर फोल्डिंग टेबल कैसे बनाएं और उसको वॉल पर कैसे इंस्टॉल करें। ये मैंने फोल्डिंग टेबल ब्रैकेट्स लिए हैं अमेजोन से, इसकी मदद से आज हम फोल्डिंग टेबल बनाएंगे। ये काम बहुत ही ज़्यादा आसान है, सब कुछ आपको बताऊँगा, वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो कुछ इस तरह के बॉक्स में आपको मिल जाते हैं फोल्डिंग ब्रैकेट्स, तो चलिए अब हम खोलते हैं अपने इस बॉक्स को। सबसे पहले यहां पर आपको मिल जाते हैं वॉल प्लग्स और स्क्रू। तो ये है स्टेनलेस स्टील के वॉल ब्रैकेट्स, ये डिफरेंट साइजेस में आते हैं। ये आपको 8 इंच, 12 इंच, 16 इंच में मिल जाएंगे। ये जो मैंने लिए हैं ये है 20 इंच के। इन ब्रैकेट्स का प्राइस 350-400 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये मेरे 20 इंच के ब्रैकेट है इसलिए इसका प्राइस है 900 रुपए। तो इन फोल्डिंग ब्रैकेट्स का मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे जो आपको स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे फिंगर रख के आप इसको जस्ट ऐसे खोल सकते हैं। ये देखिए, ये बन गया हमारा एंगल। इसको वापस से फोल्ड करने के लिए ये जो आपको लीवर दिख रहा है इसको प्रेस करिए, इसको ऊपर की तरफ धकेल दीजिए। तो इसको ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो अब हम जरा इसको नाप लेते हैं। ये पूरा 20 इंच का है और जो वॉल के अंदर पोर्शन आएगा वो है 7 इंच का। तो अब हम चेक कर लेते हैं हमारे ब्रैकेट्स के ड्यूरेबिलिटी। इसकी ड्यूरेबिलिटी मालूम पड़ेगी हमको वेट से। तो हमारे इस ब्रैकेट का वेट है लगभग आधा किलो। तो गाइस, हम ये बोल सकते हैं कि ये एक अच्छी क्वालिटी का ब्रैकेट है। यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स के वेट लगभग कुछ 1 किलो के हैं। इसका ये मतलब है कि ये अच्छा खासा वजन झेल सकते हैं, इनको वॉल पर लगाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रेंड्स, इन ब्रैकेट्स को लगाना बहुत ज़्यादा आसान है। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर मेरे पास एक प्लाई का टुकड़ा पहले से ही रखा हुआ था, इसको मैं यूज़ करूँगा। जब भी आप प्लाई लें तो एक बात का ख्याल रखें कि प्लाई की जो लंबाई है वो कम से कम 20 इंच होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ब्रैकेट हैं वो 20 इंच के हैं। तो ये जो मेरी प्लाई है वो है 20.5 इंच की। तो ये जो प्लाई का पीस है ये चल जाएगा। अब बात करते हैं कि प्लाई की चौड़ाई कितनी होना चाहिए। तो प्लाई की चौड़ाई कम से कम 24 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा आप 48 इंच तक ले सकते हैं। कहने का मतलब कम से कम 2 फिट और ज़्यादा से ज़्यादा 4 फिट। मेरी ये जो प्लाई है इसकी चौड़ाई है 25 इंच। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमारे ब्रैकेट लग जाएंगे। तो ब्रैकेट को वॉल पे लगाने से पहले सबसे ज़्यादा दिक्कत जो लोगों को आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि हम ब्रैकेट को कितनी हाइट पर लगाएं। हम ब्रैकेट को यहाँ पर लगाएं, यहाँ पर लगाएं या फिर यहाँ पर लगाएं। जो स्टैंडर्ड हाइट होती है, भले वो लैपटॉप टेबल हो, स्टडी टेबल हो या फिर डाइनिंग टेबल हो, वो होती है 29 इंच से लेके 31 इंच के बीच में, मतलब 2.5 फिट। यहाँ पर कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि आपको 29 इंच से लेके 31 इंच के बीच में ही हाइट रखना है। आप चाहे तो 26 इंच रखिए, चाहे तो 34 इंच रखिए, मगर मेजॉरिटी डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल जो बनती है वो 29 इंच से लेके 31 इंच के बीच में ही बनती है। तो मैं यहाँ पर वॉल ब्रैकेट्स की हाइट लूँगा 30 इंच। ये 30 इंच पर मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप चौड़ाई 4 फिट तक की ले सकते हैं, मगर जो मेरी प्लाई है वो है 25 इंच की, इसलिए जो इसकी चौड़ाई है यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 2 फिट की। यहाँ पर कर लिए मैंने हाइट की मार्किंग, अब हम ब्रैकेट रख के होल की मार्किंग कर लेते हैं। वैसे ही अब मैं दूसरी तरफ भी मार्किंग कर लेता हूँ।
यहां पर हमारे बहुत अच्छे से फोल्डिंग वॉल ब्रैकेट्स लग चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप यह है कि हमें लेना है प्लाई का नाप। तो फ्रेंड्स, हमने ब्रैकेट्स की मदद से फोल्डिंग टेबल को वॉल पे बड़े अच्छे से इंस्टॉल कर लिया है। आप इस पे कुछ भी काम कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया मजबूती से लगी है। ये देखिए कितना बढ़िया इसका लेवल आया है, एकदम बिल्कुल ये सीधी टेबल लगी है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमने कितनी आसानी से हमारी इस फोल्डिंग टेबल को वॉल पर लगाया है। इसको आप स्टडी टेबल, लैपटॉप टेबल या फिर डाइनिंग टेबल के रूप में यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पर प्रेस भी कर सकते हैं। इन ब्रैकेट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, आप चाहें तो वहां से भी जाके इनको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।